हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ फैन वॉर के बारे में। जी हाँ, फैन वॉर चल रही है सिड नाज वर्सेज सिड हार्ट। यस, मैं आपको बता दूँ कि एग्जैक्टली ये स्टोरी है क्या। आप सबको पता होगा कि एकता कपूर ने एक पोस्ट डाला था कि उनको न्यू कपल चाहिए या फिर न्यू लीड एक्टर्स चाहिए फॉर ब्रोकन बट ब्यूटिफुल के लिए, जिसके लिए आया है सिद्धार्थ और आसिम का नाम। लेकिन वेल, फैंस ने सिद्धार्थ और शहनाज को फर्स्ट डे काफ़ी ट्रेंड किया था। सिडनाज के फैंस को चाहिए था कि सिडनाज ये ब्रोकन बट ब्यूटीफुल करे, जहाँ पे नेक्स्ट डे सिद्धार्थ ने जेनिफर और सिद्धार्थ की को ट्रेंड किया। तो अभी दो ट्रेंड चल रहे थे सिद्धार्थ को लेके, एक सिद्धार्थ और शहनाज, दूसरा सिद्धार्थ और जेनिफर विंगेट। जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ के जो फैन क्लब्स है सिद्धार्थ, उन्होंने सिद्धार्थ और जेनिफर की जोड़ी को काफ़ी प्रमोट किया, जहाँ पे जो सिडनाज है उन्होंने सिद्धार्थ और शहनाज को प्रमोट किया। तो गाइज, अब इन दोनों फैन क्लब के बीच में फिलहाल वॉर चल रहा है कि उन्हें सिद्धार्थ और शहनाज को देखना है या सिद्धार्थ और जेनिफर को ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है ऑन स्क्रीन कौन सी केमिस्ट्री लोगों को काफ़ी पसंद आएगी? सिद्धार्थ और शहनाज की भी हम पहले देख चुके हैं और सिद्धार्थ और जेनिफर की भी देख चुके हैं। आपको दोनों में से किसकी केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद है, आप वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड आई एम श्योर जिसके ज़्यादा ट्वीट्स आएंगे या फिर जो ज़्यादा प्रमोट होगा या जो ज़्यादा हाईलाइट होगा, उसको आई एम श्योर एकता कपूर कास्ट करेगी। तो वेल, फिलहाल हम आसिम की तो बात नहीं करते हैं, क्योंकि आसिम को भी लोग कास्ट करने के लिए, काफ़ी आसिम के फैन क्लब्स उनको प्रमोट करने के लिए कह रहे थे। लेकिन जहाँ तक अगर दो जन की बात करो, तो सिद्धार्थ लीड में है कंपैरेटिवली आसिम या कोई और मेल एक्टर, क्योंकि सिद्धार्थ के साथ दो नाम जुड़े हैं, एक शहनाज और एक जेनिफर। आप किसे देखना चाहते हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और आप मुझे बताइए आपको कौन सी केमिस्ट्री और कौन सी जोड़ी ज़्यादा पसंद है। थैंक यू।